हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे चैनल कुक विद एसजी में आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी मेरी तरह खाने के शौकीन हैं बढ़िया तरीके से, तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आप सीखना चाहते हो तो आओ, क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और मेरे साथ जुड़े रहो और खाने का आनंद लूटो, क्योंकि मैं बनाऊंगा आपके मुंह में पानी जरूर ला दूंगा 100%। तो चलो, मैं आज आपके लिए बनाने वाला हूँ टोमेटो केचप। इजी तरीके से कैसे बनाए, तो चलो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने टमाटर काट के लिए है, देखो यहाँ पीला वाला हिस्सा है वो निकाल देना है, इनसे क्या हमारा कलर मस्त बेस्ट आएगा। थोड़ा सा अदरक लिया है और थोड़ा सा लहसुन और प्याज, ये सब केचप में टेस्ट ऐड करने के लिए डाला है। आप सिर्फ टोमेटो ही ले सकते हैं ऐसा नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसको रखेंगे धीमी आंच पे, और साथ में हम थोड़ी सी चीनी और नमक भी ऐड करेंगे, ये मैं आपको बताना भूल गया था। चलो अब हमारा पैन गर्म हो गया, उसमें डालते हैं टोमेटो। हाँ एक याद रखना है कि पानी बिल्कुल नहीं डालना है, टोमेटो खुद पानी छोड़ेगा। और डालेंगे थोड़ी सी प्याज, लहसुन, थोड़ा सा अदरक पेस्ट। अब हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, धीमी आंच पे पकाना है। देखो टमेटो अपना पानी छोड़ रहा है, इसको थोड़ा सा पकाएंगे धीमी आंच में। अब हम इसको ढांक लेंगे, तो थोड़ी भरार से पके इसको। अब इसको हम 3-4 मिनट पकाएंगे, तब तक टमेटो और प्याज पक नहीं जाती तब तक हम उसको रखेंगे। देखो आप देख रहे हैं पक रहा है, चेक करते हैं। अब देखो थोड़ा सा हिलाता है ना, ये पक थोड़ा सा पक गया, देखो देख सकते। अपनी छाल छूट रही है टोमेटो से, देखो छूट गई है। अब हम पैन को कर देंगे बंद, इसको थोड़ा सा होने देंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद हम इसको ले लेंगे मिक्सर के जार में। अब हमने इसको ले लिया है एक मिक्सर के जार में, और अभी इसके साथ हम एक मिक्सर के जार में हमने इसको ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा चेक करते सही से ग्राइंड हो जाते। नहीं अभी भी थोड़े गंठन है, एक और बार घुमा लेंगे। अभी उसमें क्या नमक अभी ऐड कर देंगे, चीनी अब लास्ट में ऐड करेंगे, अभी नहीं। छिलका निकालने के बाद चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक टेस्ट मुझे डाला है। एक बार आपको दिखाते हैं, प्योरी हो गई रेडी। अब हम इसको छान लेंगे, छानने के मतलब देखो हमने छान लिया है,
ऐसा पतला हो गया है घोल। अब हम इसको फिर से पैन में डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। अब फाइनल प्रोसेस चल रही है और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे चीनी, शुगर। आप शुगर नहीं खाते तो शुगर फ्री ऐड कर सकते हो। और प्रिजर्वेटिव की तरफ हम उसमें ऐड करेंगे विनेगर। विनेगर से क्या, हम सॉस को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, इसलिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। दो चम्मच विनेगर ऐड किया है। अब हम इसको पकाएंगे। देखो अब हमारा सॉस थोड़ा सा पक जाएगा, हो जाएगा। देखो कितना गाढ़ा दिख रहा है, ये गाढ़ा हो जाएगा ऐसे ऐसे थोड़ा घुमाएंगे। आप चाहे तो इसमें से लाल चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा तीखापन लाना है तो। देखो कैसी कंसिस्टेंसी है, देख सकते हो। थोड़ा सा और भी पानी है, दो मिनट और पकाएंगे ऐसे। ये फाइनली हमारा सॉस हो जाएगा तैयार। अब तैयार होके मैं निकाल लूंगा एक बर्तन में, ये दिखाऊंगा। देख रहे हो एकदम बाजार जैसा लुक आ रहा है टोमेटो के चलता। देखो कितना गड़ा हो गया, ऐसी थिकनेस आनी चाहिए, आप देख सकते हो। तब जाके फाइनली तैयार होता है हमारा टोमेटो केचप। अब हम गैस को बंद कर देंगे बंद। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखो फाइनली हमारा केचप हो गया रेडी, आप देख सकते हो।